सीटेट दिसंबर 2021 के ऑनलाइन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन जो ओपन हो चुके हैं वो बड़ी जल्दी कई स्टूडेंट उनको फिल कर रहे हैं। उनमें एक ऑप्शन आपकी है कि आपने कोई दो लैंग्वेजेस चूज करनी है और वो दो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों की वेटेज 30 मार्क्स है, 60 मार्क्स आपके बनते हैं। तो अगर आप रॉन्ग चूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके 5-10% इनमें से 60 में से मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप राइट चूज करते हो, लैंग्वेज थोड़ा एनालाइज करके चूज करते हो, साइंटिफिकली चूज करते हो जैसे मैं बता रहा हूं क्राइटेरिया आगे जाके, तो आपके मार्क्स उतनी मेहनत में ही 5-10% बढ़ सकते हैं। That is why haste makes waste। मैंने कहा है कि जल्दी मत को करो, don't be hurry, आप थोड़ा analyze कर लो। क्यों? क्योंकि language एक और language दो बिल्कुल same नहीं है, दोनों के objectives जो हैं CTET के वो different हैं और paper भी उस ढंग से different आता है। तो आपके पास जो चॉइस है उसके मुताबिक आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। आपके पास चॉइस है, ये देख लीजिए, आपके पास सबसे पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, सेकंड आ गई नेशनल लैंग्वेज, थर्ड आपके पास ये 18 बची हैं रीजनल लैंग्वेजेस। इनमें में से आपने तीन कैटेगरी ये बनी है, इनमें से आपने दो लैंग्वेजेस चूज करनी है। इसको इन तीनों में से कैटेगरी में से कौन सी चूज करनी चाहिए या इंडिविजुअल आप पर, आपकी पोटेंशियल पर, आपकी जो लैंग्वेज एक्सपीरियंस है, रिचनेस है, उस पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ गाइड करूंगा, एनालाइज आपने खुद को खुद करना है। अच्छा, कौन सी करें? ये पहले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज वन जो फर्स्ट पेपर होगा उसका ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है, विल फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन टीचिंग आप ले सकते हो यहां पर, ठीक है। सेकंड टेस्ट आइटम्स जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे इन लैंग्वेज टू पेपर विल फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। यहां ये डिफरेंस है, आगे जाके सिलेबस इन दोनों लैंग्वेजेस का दिखाऊंगा और डिफरेंस आपको क्लियर होंगे। उस डिफरेंस को सामने रखते हुए आपने इन लैंग्वेजेस में से कोई दो चूज करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसको छोड़ देते हैं अभी, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्राइटेरियाज हैं वो जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। सबसे पहले आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा है, पिछले सालों में आपकी स्कूलिंग और आपका जो है कॉलेज लाइफ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रेजुएशन तक क्या रहा है। अगर वो इंग्लिश ही रहा है थ्रू आउट तो आपकी प्रेफरेंस इंग्लिश बनती है। इट मींस आप फिर कई बच्चे कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े होते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी वो उसी में करते हैं, एग्जाम उनमें देते हैं, उनकी वोकैबुलरी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, बाकी से बेटर होती है, ठीक। लेकिन आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या आएगी। तो ये एक बात हो गई, अगर इंग्लिश में पढ़े हैं तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। वोकैबुलरी ये आपको खुद को पता है, वोकैबुलरी क्यों मैंने पॉइंट बनाया, आप हैरान होंगे कि 5-10% क्वेश्चन आपके प्लस या माइनस हो जाते हैं अगर आपके पास जो क्वेश्चन में शब्द यूज किए गए हैं उनका मीनिंग आपको क्लियर है। कई बार आपको नॉलेज नहीं होती जो पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन जो वर्ड उनमें यूज किए गए हैं उनकी मीनिंग आपको उनका क्लियर है। अगर आपकी वोकैबुलरी रिच है, जिस अगर इंग्लिश में रिच है तो इंग्लिश को प्रेफर कीजिए, अगर हिंदी में रिच है तो हिंदी को प्रेफर कीजिए। रीजनल लैंग्वेज इजी है चूज करनी, वो किनको करनी चाहिए वो भी बताता हूं। वोकैबुलरी अपनी को जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, बोर्ड
जिन्होंने स्टेट बोर्ड से की है, जैसे हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वो तो रीजनल लैंग्वेज को ही नंबर एक सेलेक्ट कर लें हर हालत में। अगर सेंटर से पढ़े हुए हैं और प्लस इंग्लिश है, सेंटर से पढ़े हुए हैं और प्लस इंग्लिश है, मीडियम उनका रहा, तो सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश बन सकती है। ये वाले हैं। अब ये जो सेंटर बोर्ड से पढ़े हुए हैं, इनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और मास्टरी के कारण इंग्लिश चूज कर ली, और सेकंड अब ये चूज करेंगे हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में से। फॉर एग्जांपल पंजाबी हम बात कर लेते हैं यहां, तो ये फिर इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे कि वोकैबुलरी इनमें से किसकी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल घर में उनके हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो इंग्लिश के साथ वो हिंदी को चूज करेंगे। ठीक, अगर उनके रिलेटिवली इसकी वोकैबुलरी ज्यादा है पंजाबी, और इसका कोई लिटरेचर भी पढ़ता है, बुक्स भी पढ़ता है, कईयों का शौक होता है, फिर वो इंग्लिश के साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। अगला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, मैं आगे सिलेबस में डिस्कस करता हूं, आपकी मास्टरी लिटरेचर में कितनी है। लिटरेचर मीन साहित्य, जो कविता है, ड्रामा है, ये निबंध है, उनमें अगर मास्टरी है, आप वो स्टडी करते हो, तो आपको फर्स्ट पेपर वो वाला लेना चाहिए जिस एरिया में आपके लिटरेचर की मास्टरी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी रीजनल लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ते हो या स्कूल के वक्त ज्यादा पढ़ा है, तो वो बच्चे फर्स्ट पेपर अपना रीजनल लैंग्वेज वाला फिल करें। क्यों? क्योंकि उसमें लिटरेचर का, आगे जाके बताता हूं, पोएम पर कॉम्प्रिहेंशन का पैरा आना है, वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो अगर किसी की मास्टरी सेकंड इसमें हिंदी आ जाती है, हिंदी सेकंड, थर्ड पर इंग्लिश आएगी, क्योंकि लिटरेचर जो है इंग्लिश का इंटरनेशनल लेवल का होगा, और इंग्लिश के सिंबल्स जो हैं वो अपने कल्चर के नहीं होते, वो समझने डिफिकल्ट होते हैं। दैट इज व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ मास्टरी ऑफ लिटरेचर यू मस्ट अवॉइड इंग्लिश। सो इंग्लिश किनको प्रेफर करनी चाहिए? जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट ग्रेजुएशन इंग्लिश था, इंग्लिश की उनकी प्रेफरेंस थी, और उन्होंने लिटरेचर जो है इंग्लिश में कुछ पढ़ा है, उसकी समझ उनको है, अदरवाइज वो इंग्लिश को अवॉइड करेंगे। अच्छा, ऑब्जर्व द प्रीवियस पेपर, अगर आपका डिसीजन नहीं होता तो आप प्रीवियस पेपर लैंग्वेज के पेपर वन और टू को ऑब्जर्व कीजिए, और उनमें खास करके जो पैराग्राफ हैं, ग्रामर हैं, उनके क्वेश्चन देखिए, देख के आपको समझ आ जाएगी। जो आपको डरावने लगते हैं फिर वो डिसीजन हो जाएगा कि वो आपने नहीं लेना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, दोनों पेपर के ऑब्जेक्टिव्स ही पीछे भी बात करके आए हैं, सिलेबस में भी देखते हैं। ये देखिए, लैंग्वेज वन का सिलेबस जो है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लैंग्वेज कौन सी चूज करनी चाहिए, टू पैसेजेस आएंगे, ये बात याद रखना। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 में से 15 क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ के ही हैं, और पैराग्राफ किस में पूछे जाएंगे, वन प्रोज और ड्रामा, ये लिटरेचर जो मैंने कहा था, और सेकंड वन पोएम जरूर आनी है। इसका मतलब अगर आप इंग्लिश लेते हो, इंग्लिश में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल कल्चर है, इंटरनेशनल पोएट्री होगी, ओके, इंटरनेशनल पोएट्री में सिंबल्स जो हैं दूसरे देशों के, दूसरे कल्चर के ज्यादा होंगे, तो इसको आप वहां प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? इसमें फिर किसको प्रेफर करेंगे? फिर आपकी बचती है, क्योंकि पोएम और इसको समझना है तो आपकी रीजनल लैंग्वेज नंबर वन पर है, क्योंकि आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस की पोएम आपने सुनी होती है, कहीं पढ़ी होती है, उसके सिंबल आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके कल्चर में से हैं। मैं उसको सजेस्ट करता हूं नंबर वन पर, ओके, सिर्फ उनके लिए जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं था और उन्होंने थ्रू आउट
और जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हुए उनके लिए ये सुजेशन है। और दूसरा उनका ऑप्शन हिंदी है, क्योंकि हिंदी का भी आपके साथ टच है, हमारे कल्चर में से है, कुछ ना कुछ आपने ज्यादा सुना होगा। सबसे कम आप इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये उन बच्चों के लिए खास है जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन पैसेजेस को करने के लिए इंग्लिश में आपको डिफिकल्टी फील होगी। उसके आगे क्वेश्चन कैसे होंगे, कॉम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एबिलिटी वगैरह, वो सारे सेम है। यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा सेकंड पेपर में हम देखेंगे, लैंग्वेज टू में। लैंग्वेज टू में है ये रहा कलर, टू अनसीन पैसेज वैसे ही 30 का ये होगा और 15 मार्क्स के ये पैसेजेस आएंगे। अब ये पैसेजेस में पोएट्री नहीं है, ना ही वो लिटरेचर है। मैं लिटरेचर पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, जो लिटरेचर में वर्ड यूज होते हैं ना, उस एक वर्ड का प्राइमरी मीनिंग होता है। जैसे शेर, शेर का मतलब है शेर, दूसरा उसका मीनिंग होता है यार मेरा बेटा तो शेर है। इट मीन्स जो शेर के करेक्टरिस्टिक थे, बहादुरी, वो मेरे बेटे में है, वो ये कहना चाहते हैं। तीसरा व्यंगात्मक होते हैं वर्ड का मीनिंग, जब आपका बेटा कहीं से मार खा के आ गया तो आपका नेबरर बोल रहा है शेर पुत आ गया, अभी शेर पुत आ गया, अब शेर के मीनिंग बिल्कुल व्यंगात्मक हो गए। तो लिटरेचर में फर्स्ट मीनिंग जो प्राइमरी फिजिकल मीनिंग है वो कम होते हैं, सेकंड और थर्ड मीनिंग ज्यादा होते हैं। अगर आपकी समझ सेकंड और थर्ड में ज्यादा है तो आप जो डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो सॉरी दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, क्योंकि आप अपने ही सिंबल, अपने ही मीनिंग जो है, अपने मुहावरे में अखान है, जैसे प्रोवर्ब, इडियम्स है, वो आपको ज्यादा नोन होंगे, इसलिए आपको ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज उन बच्चों के लिए जिन्होंने थ्रू आउट इंग्लिश नहीं पढ़ी और स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं और उनकी वोकैबुलरी जो इंग्लिश की वीक है। आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा थोड़ा, लेकिन आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अभी इतने दिन पढ़े हैं आप, दो तीन तीन दिन जो डिसीजन इसमें लगा दीजिए एनर्जी कि कौन सी मेरे लिए बेटर है। पिछले जो स्टूडेंट्स हैं टीईटी कर चुके हैं उनसे एक से नहीं बात करनी, कंक्लूजन नहीं निकालना, ज्यादा से बात करके फिर डिसीजन लीजिए। अगर फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मुझे कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। थैंक यू।